व्यूअर्स, आज हम बताने वाले हैं कि कैसे आप वेबपी फाइल को खोल सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले राइट क्लिक करिए इस पर और ओपन करिए। अगर आपका इंटरनेट ऑन है तो ये आपका फाइल आ जाएगा। इस फाइल को राइट क्लिक करिए, सर्च इमेज विद गूगल लेंस करिए। जब आप गूगल लेंस करिएगा तो सिमिलर इमेज ढेर सारी आ जाएगी, इसको डाउनलोड कर लीजिए। सेव एज करके डेस्कटॉप पे हम सेव कर लेंगे इसको, और यहाँ पर क्राफ्ट मैन लिख देंगे। अब ये इमेज सेव हो गई। इसी इमेज का आप QR कोड भी बना सकते हैं, तो क्रिएट QR कोड कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे इसको। जब हम इस QR कोड को अपने मोबाइल में रीड करेंगे तो इसकी साइट मिल जाएगी जहां पर ये ओरिजिनल साइट में अवेलेबल है। तो फिर से इसको खोलते हैं। ये आपका वेब पी है और यहाँ पे देखिए ये खुल गया। JPG फॉर्म में हमने सेव कर लिया था इसको, तो ये खुल गया। अब ये JPG फॉर्म आप पेंट ब्रश में भी खोल सकते हैं, तो ओपन विद पेंट कर लीजिए, तो ये फाइल आपकी पेंट में भी खुल जाएगी। अब वेब पी फाइल यूज़ क्यों होती है, क्योंकि ये 40% जो होती है वो कम टाइम लेती है, कम समय में ये खुल जाती है वेब पेज पे, और इसका रेजोल्यूशन भी अच्छा होता है, और JPG और PNG के बनस्पत ये जल्दी खुलती है। तो ये देखिए क्राफ्टमैन आ गया, संडे किस टाइम लिया था, उसका डायमेंशन क्या है, उसका सारा डिटेल आपके पास आ जाएगा। इसी फाइल को हम QR कोड पढ़ के जब हम पढ़ते हैं तो वो फाइल यहाँ पे आ जाती है। अब इस फाइल को हम चाहते हैं कि PDF में कन्वर्ट करें, तो कन्वर्ट टू PDF जब हम करेंगे फाइल को, तो ये देखें क्राफ्टमैन की PDF फाइल बन रही है। तो जब PDF फाइल खोलिएगा तो वो नेट्रो में खुलेगा। ये अभी नेट्रो में देखिए टू वर्ड, टू एक्सेल, टू इमेज, टू अदर, इतनी फैसिलिटी यहाँ पे दी। नेट्रो प्रो हैज अ डिटेक्टेड दिस इज अ स्कैन डॉक्यूमेंट और इमेज, तो आप यहाँ पे इसका डिटेल देख सकते हैं। तो यहाँ पर मेक सर्चेबल एडिटेबल, मेक सर्चेबल एडिटेबल, तो अब यहाँ पर ये आपकी फाइल खुल जाएगी और इसका PDF बन जाएगा। तो जब भी आप PDF खोलेगा तो ये फाइल आपको सेव चेंजेस टू क्राफ्टमैन PDF यस कर दीजिएगा, तो इसी पिक्चर की PDF फाइल भी डेस्कटॉप पे बन जाएगी। तो एक फाइल से हम लोग ने, जो हम लोग ने वेब पेज वेब पी करके फाइल यूज़ की थी क्राफ्टमैन की, उससे हम लोग ने JPG फाइल बनाई, उससे QR कोड बनाया, और उसी से हम लोग ने उसकी PDF फाइल भी बना ली। तो PDF को जब भी हम लोग खोलेंगे तो वो, तो दूसरी PDF खुल गई, ये क्राफ्टमैन PDF बन गया। तो ये PDF फाइल भी आप यूज़ कर पाएगा। तो इस तरह से किसी भी वेब पी फाइल को आप कन्वर्ट कर सकते हैं इन डिफरेंट फॉर्म में, JPG में, PNG में, QR कोड में। अब QR कोड जो है आप जब एंड्रॉयड पर पढ़िएगा तो आपको इसका साइट मिल जाएगा, वहाँ पे जाने पर आप वो उसका किस साइट पे है इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको QR कोड को खोलना पड़ेगा और स्कैन करना पड़ेगा। जब आप स्कैन करिएगा तो आपको वहाँ पर वेबसाइट की पोजीशन पता लग जाएगी कि ओरिजिनल किस जगह पर ये आपको मिला है, तो वहाँ पे जा कर के आप पिक्चर को देख सकते हैं।
तो इस तरह से इतने ढंग से हम फाइल को इतने ढंग से फाइल को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसमें स्कैन करने के लिए हमको एंड्रॉयड चाहिए होगा। जब स्कैन करेंगे तो ये एड्रेस आ गया, गो टू वेबसाइट करेंगे तो मोबाइल में जब जो एड्रेस आया है उसको हम लोग यहाँ पे सेंड करके पेस्ट कर देंगे। अब जो साइट बता रहा है वो उस पर हम लोग जाएंगे। तो यहाँ पे दे रहा है एनक्रिप्टेड, यहाँ पे दे रहा है, यहाँ गए, यहाँ से भी देख सकते हैं कि कहाँ जा रहा है। एनक्रिप्टेड लर्निंग फॉर्म एंगुलर, ये देखिए वेबसाइट है एंगुलर परफॉर्मेंस। ब्लॉग में देखिए, इसमें किसी ने ब्लॉग में दे रखा है, ये आ गया, ये ब्लॉग आ गया, जहाँ ब्लॉग आ गया, जहाँ ब्लॉग आ गया, जहाँ पर ये अवेलेबल है। यहाँ से भी हम लोग जा सकते हैं बिना स्कैन किए भी, ये इसमें भी आ रहा है, ये senhas.com पे, ये देखिए इस पर भी, ये देखिए ये आ गया। तो इस तरह से हम लोग उसकी साइट भी पता कर सकते हैं गूगल लेंस के थ्रू। फाइंड इमेज सोर्स करिएगा तो इमेज सोर्स आपकी आ जाएगी। अब इसमें कह रहा ऑल साइज, हमने ऑल साइज दे दिया तो जितनी इमेजेस हैं देखिए कहाँ कहाँ पे ये इमेजेस है सारी आपको मिल जाएगी। इस तरह से आप चेक भी कर सकते हैं कि कहीं आपने रॉयल्टी वाली इमेज तो यूज़ नहीं की है, तो आप उससे सिमिलर इमेजेस करिएगा तो आ जाएगा और अपने को कॉपीराइट से बचा सकते हैं। सो दिस इज ऑल टुडे व्यूअर, इफ यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल रतन अग्रवाल आईटी इंफॉर्मर। फॉलो माय ऑल सोशल मीडिया लिंक, ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल टेक रतन एंड प्लीज कमेंट ऑन द कम्युनिटी एंड आंसर ऑन पोल एंड और अगर आपको कोई और ऐसा इसी टाइप का क्वेश्चन पूछना है तो आप जरूर बताइएगा। थैंक यू।